अगर आप अपने इलाके के थानेदार को सलाम नहीं ठोकते हैं तो तुरंत सलाम ठोकना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने इलाके के थानेदार को पहचानते नहीं हैं या मेल मुलाकात नहीं है तो तुरंत नज़दीक के थाने चले जाइए और थानेदार साहब से बैठकर गपशप कर लीजिए, कुछ चाय वाय पी लीजिए। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से आपकी जिंदगी में थानेदार का दखल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। थानेदार चाहे तो आपकी जिंदगी नरक कर सकता है। आप कहेंगे ये कैसे? ये ऐसे कि 1 जुलाई से जो भारत में कानून का जो CRPC IPC की धाराएं बदली जा रही हैं, जो नया विधान लाया जा रहा है, उसके तहत थानेदार को बहुत प्रभावशाली बना दिया गया। दो उदाहरण है। पहले क्या होता था कि 3 से 7 साल के अपराध पर FIR दर्ज कराने वाली जो बात थी, या किसी भी तरह किसी भी मामले में FIR अगर आप जाते हैं थाने में तो FIR दर्ज करना जरूरी होता था। तुरंत FIR दर्ज होती थी, धाराएं होती थी और आपको भी पता होता था कि किस मामले में आपने FIR दर्ज कराई है। अब हुआ ये था कि 2014 तक ये जरूरी नहीं था। 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी केस में इसको जरूरी किया था। अब एक SHO डिसाइड करेगा, थानेदार डिसाइड करेगा कि आप जो मामला लेकर जाते हैं कोर्ट थानेदार के पास, तो थानेदार डिसाइड करेगा कि FIR दर्ज कराई जाए या नहीं कराई जाए। और FIR दर्ज करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, यानी प्रारंभिक पूछताछ होगी। अब इसमें दिक्कत यह है कि प्रारंभिक पूछताछ के बहाने कुछ लोग कह रहे हैं कि SHO साहब दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती है, पुलिस दोनों के बीच में सौदा करा सकती है और अपना कट ले सकती है, या आपने जिसके खिलाफ FIR दर्ज कराई या दर्ज कराने गए, FIR तो दर्ज होगी नहीं, थानेदार साहब नहीं अगर नहीं चाहेंगे तो थानेदार साहब उस संबंधित व्यक्ति को तक सूचित कर देंगे कि आपके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है तो आपस में सुलटा लीजिए, या फिर हमें मौका दीजिए हम सुलटा देते हैं, या धाराएं ऊपर नीचे कर देंगे क्योंकि टाइम है। अभी आरंभिक जांच के समय में भी, शुरुआती जांच के समय में भी धाराएं तो लगानी नहीं है, धाराएं तो बाद में लगेंगी जब FIR दर्ज करने का समय आएगा। तो एक केस ये है। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग है कि अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार करती थी तो मैक्सिमम 14 दिन पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता था। पुलिस कस्टडी के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करना, फिर जुडिशियल कस्टडी, और तब आदमी को जमानत लेने में आसानी होती थी। यानी वो पुलिस कस्टडी के दौरान भी जा सकता था, लेकिन मोटे तौर पर जब उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता था तब वो जमानत की कोशिश करता था, जो सिलसिला 14 दिन बाद शुरू हो जाता था। अब थानेदार साहब चाहें तो 90 दिन तक केस चला सकते हैं। 90 दिन आपको थाने में बंद रखा जा सकता है और आपकी जमानत नहीं होगी कम से कम 90 दिन। ये मोटे तौर पर नया कानून कहता है, क्योंकि अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले 14 दिन मैक्सिमम मिलते थे, अब पुलिस मैक्सिमम 90 दिन ले सकती है। यानी 14 दिन तक वो काम कर रही है, फिर 14 दिन बाद कोर्ट में जाके कहेगी कि 20 दिन और दे दीजिए, अभी और सबूत ले रहे हैं, 20 दिन बाद फिर कहेगी कि और सबूत ले रहे हैं। यानी अगर आपको अपने किसी पड़ोसी से कोई रड़क निकालनी है और थानेदार आपकी जान पहचान का है तो बस ये जान पहचान, ये दोस्ती का इस्तेमाल कर लीजिए और पड़ोसी को 90 दिन के लिए अंदर करवा दीजिए, सारी हेकड़ी भूल जाएगा, सब सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। आखिर कहते हैं कि प्रोसीजर में ही दंड छपा होता है, अंत में तो छूट जाएंगे लेकिन असल में जो लंबा प्रोसीजर होता है वही एक तरह से आपके लिए बड़ा तकलीफ दे साबित होता है। एक और चीज है इसमें कि पहले क्या होता था कि इसमें वो चीज खत्म कर दी है 124A, यानी राजद्रोह या देशद्रोह या सेडिशन को खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो भारत सरकार अब इसका एक नया ले आई है 152 भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन ये और कड़ा कर दिया गया है, डार्कोनियन कर दिया गया है। इसमें भारत की एकता, अखंडता, समरूपता को भी जोड़ दिया गया है।
इंटीग्रिटी और सुवर्निटी को भी जोड़ दिया गया है और इसकी कोई परिभाषा तय नहीं है। अब एक लोकल थानेदार तय कर लेगा कि कौन सी चीज ऐसी है, ऐसा अपराध आपने किया है जिससे भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी खतरे में आ गई हो। अब साधारण दंगा, पहले साधारण दंगा होता था तो वकीलों का कहना है कि साधारण दंगा को भी अगर थानेदार चाहे तो इसको भारत की इंटीग्रिटी और भारत की संप्रभुता पर हमला बताकर, खतरा बताकर और 152 भारतीय न्याय संहिता के तहत आपके खिलाफ लगा सकता है और ये असहमति का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, इसको भी खतरे में डालता है। कोई आपने लेख लिख दिया, कोई भाषण लिख दिया, कोई पॉडकास्ट कर दिया, कोई वीडियो बना दिया, तो अगर थानेदार चाहे तो ये चीजें भी प्रभावित हो सकती हैं। एक और बात है, पहले क्या होता था कि जो आतंकवाद वाली कोई धारा लगनी हो, यानी कोई आतंकवादी घटना हो, आतंकवाद की या धारा लगनी हो, मान लीजिए टेररिज्म की, तो उसको UAPA के तहत लगाया जाता था और सैंक्शन लेनी पड़ती थी, बड़े अधिकारियों से सैंक्शन लेनी पड़ती थी। अब भारत का हर थानेदार एक तरह से किसी भी मामले को कि किसी भी आतंकवाद के मामले की जांच कर सकता है, वो आतंकवाद की धारा लगा सकता है और जांच कर सकता है। बाद में प्रूव होता रहेगा कि गलत धारा लगाई थी या ठीक किया था या नहीं किया था। मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर दूं कि मुझे कानून की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं पिछले 3-4 घंटे से लगातार सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जो वकील हैं, इंदिरा जयसिंह से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर और मुकुल रोहतगी को लेकर, इन सबके वीडियो सुन रहा हूँ और ये जो बोल रहे हैं उसके आधार पर मैंने ये अपना प्रोग्राम तैयार किया है। तो एक खतरनाक चीज इसमें ये है, 2-3 चीजें। एक और इसमें है, इंदिरा जयसिंह कह रही हैं कि 1 जुलाई से ये नई चीजें लागू होंगी, 1 जुलाई से नए कानून लागू होंगे, लेकिन 1 जुलाई से पहले जो देश भर में मुकदमे चल रहे हैं, जो क्रिमिनल केस ही 83,000 के आसपास चल रहे हैं, जो 20-20 सालों से चल रहे हैं, अगले 20 सालों तक चलते रहेंगे, वो सब तो पुराने कानून के तहत चलते रहेंगे। तो कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, कोर्ट को 2 तरीके से सारी सुनवाई करनी पड़ेगी, 1 जुलाई से पुराने वाले के पहले के केस को पुराने कानूनों के तहत, जिसमें 10 साल 15 साल 20 साल पता नहीं कितने साल लगेंगे, और 1 जुलाई के बाद नए केस नए कानून के तहत। फिर मान लीजिए 30 जून की रात को 11:50 पर कोई हत्या होगी जिसकी FIR 1 जुलाई को दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी नहीं होगी पता नहीं, वो भी थानेदार साहब पर है, चलिए थाने हत्या जैसा मामला है तो FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, तो फिर वो कैसे मुकदमा चलेगा, नई रिजीम में चलेगा पुरानी रिजीम में चलेगा? ये संतोष हेगड़े ने ये सवाल उठाया, मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, किसी बड़े बार काउंसिल से कोई राय नहीं ली गई है, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो कानून का ड्राफ्ट गृह मंत्रालय ने बनाया है, लॉ कमीशन से नहीं बनवाया गया है, कानून मंत्रालय से नहीं बनाया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो कि सवाल उठा रही हैं कि इससे कितनी मदद मिलेगी, कितना कन्फ्यूजन फैलेगा, कितनी मुकदमेबाजी होगी, कितने लोग इस नए कानून को चैलेंज करेंगे, ये अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, वीडियो और भी लंबा बन सकता है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा आज इसमें और स्टडी करके कुछ इसमें और चीजें जोड़ी जाएं। मोटे तौर पर विशेषज्ञों का कहना है कि पूरा देश 1 जुलाई से पुलिस स्टेट हो जाएगा। पुलिस को, थानेदार को बहुत ज्यादा पावर दी गई है, तैयारियां नहीं की गई है। पुलिस वालों को भी नए कानून की कितनी ट्रेनिंग मिली है, सबको ट्रेनिंग मिली है नहीं मिली है, अफसर इस कानून को कितना समझे हैं, अफसर नीचे के मातहत अधिकारियों को कितना समझा पाए हैं। जैसे IT एक्ट की जो 66 धारा है उसको सुप्रीम कोर्ट 3 साल पहले निगेट कर चुका, खत्म कर चुका, लेकिन अभी भी IT एक्ट की धारा 66 के तहत थानेदार मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। उनमें से बहुतों को जानकारी ही नहीं है कि मामला खत्म हो चुका है, 66 को खत्म किया जा चुका है। तो यहाँ तो इतनी सारी धाराएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इतना बदलाव IPC CRPC में करने की जरूरत नहीं थी। 1973 में 13 साल की मेहनत और 6 लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर IPC CRPC में बदलाव किए गए थे। अंग्रेजों के शब्द के समय जो शब्दों का इस्तेमाल होता था उनको हटाया गया था और बदलते वक्त के अनुसार अपडेट किया गया था। तो ऐसे में इसकी बहुत जरूरत नहीं थी। इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं,
जैसे ऑडियो विजुअल वाला जो प्रावधान है, फिर एक कम्युनिटी सर्विस वाला प्रावधान है, यानी छोटा मामूली अपराध हुआ तो उसमें जेल में डालने की जरूरत नहीं है। कह दो कि भाई 10 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस के आप मदद करेंगे, या किसी समाज का जो संस्थान है समाज कल्याण विभाग का, वहां जाकर सेवा करेंगे, इस तरह की सजाओं का प्रावधान भी किया गया है, जो कि कुछ अच्छी चीजें हैं। लेकिन इंदिरा जयसिंह का कहना है लाइफ और लिबर्टी इन डेंजर, 1 जुलाई से आपकी लाइफ और आपकी लिबर्टी, आपकी जो संविधान के तहत आपको अभिव्यक्ति की आजादी और तमाम तरह की आजादियां मिली हुई हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगी और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा मोटे तौर पर कहा गया है। टेक्निकल भाषा में लाइफ जिंदगी से मतलब जिंदगी के रूप में उस मत लीजिए कि रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होगी। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए।